अगर आप गोभी मटर की सब्जी हमारे तरीके से बना लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगी आपको, तो एक बार अपने घर पर जरूर से ट्राई कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गोभी और मटर की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 किलो के आसपास फूल गोभी ली है, जिसको हमने इस तरह से मीडियम साइज़ में गोभी को काट लिया है और पानी से अच्छी तरीके से गोभी को धो लिया है। फिर इसमें पानी भर दिया है हमने। फिर हम हमेशा की तरह कढ़ाई के अंदर ही बनाने वाले हैं, क्योंकि कढ़ाई के अंदर जो सब्ज़ी बनती है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो हमने यहाँ पर गैस को ऑन कर दिया है और इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल को ऐड करेंगे, जो कि 200 ग्राम के आसपास हमने ऐड कर दिया है। फिर इसमें साबुत गरम मसाला को ऐड करेंगे। तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर खड़ा गरम मसाला कितना लिया है। तो जैसे ही हमारा तेल गरम हो जाए उसके बाद साबुत गरम मसाले को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। साथ ही साथ हम स्पून जीरा को भी ऐड कर देंगे। फिर जैसे ही दोनों तड़कने लगे उसके बाद बारीक कटे हुए प्याज को ऐड कर देंगे, जो कि यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ के बारीक प्याज कटे हुए हैं। साथ ही इसके अंदर 6 से 7 हरी मिर्ची बारीक चॉप करी हुई को ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे। तो यहाँ पर हमने प्याज और हरी मिर्ची को ब्राउन होने तक भून लिया है, यानी कि इस तरह का कलर आना चाहिए प्याज का, तभी हमारी सब्ज़ी के अंदर काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसके बाद अब हम 2 कप के आसपास अदरक लहसुन के पेस्ट को ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट को खुशबू आने तक पकाना है, करीबन 1 मिनट तक पकाएंगे। जैसे हमारा अदरक लहसुन अच्छे तरीके से पक जाए उसके बाद इसके अंदर हम 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर को ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर को ऐड करेंगे और तेल के अंदर अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसके बाद 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर को ऐड करेंगे और 5 मीडियम साइज़ के टमाटर क्यूब कटे हुए को ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम मसाले के साथ टमाटर को थोड़ा सा भून लेंगे, करीबन 20 से 30 सेकंड तक भुनेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी को ऐड कर देंगे, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो एकदम से जले नहीं। इसके बाद इसके अंदर हम 2 बड़ी स्पून ब्राउन ऑनियन ग्रेवी को ऐड करेंगे। अगर ब्राउन ग्रेवी किस तरह से बनाई जाती है हमारे रेस्टोरेंट के अंदर आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में वीडियोज़ मिल जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप भी देख सकते हैं। तो ग्रेवी के साथ थोड़ा सा मसाला को उबलने तक पका लेंगे। अब हम ऐड करेंगे फूल गोभी को, तो इस तरह से हम फूल गोभी को ऐड कर देंगे। तो सभी फूल गोभी को हमने इसी तरह से निकाल कर ऐड कर दिया है मसाले के साथ कढ़ाई के अंदर। और फिर इसके अंदर हम 250 ग्राम मटर को ऐड करेंगे। फिर इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक को ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर को ऐड करेंगे, 1 टीस्पून किचन किंग पाउडर को ऐड करेंगे। अब हमें सभी मसाले को अच्छी तरीके से मिला लेंगे और यहाँ पर हम पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और करीबन हम 10 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। तो 10 मिनट तक हमने फूल गोभी और मटर को अच्छी तरीके से पका लिया है। अब हम ऊपर से हरा धनिया पत्ते को ऐड कर देंगे और गोभी मटर की सब्जी सर्व के लिए तैयार है। तो अगर आप इस तरीके से आप अपने घर पर बनाएंगे गोभी मटर की सब्जी तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। एक बार जो है ट्राई कीजिएगा हमारे तरीके से गोभी मटर की सब्जी बनाने का।